रजत पदक विजेता राहुल अवारे गोल्ड कोस्ट भारत के कुश्ती पहलवान राहुल अवारे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 8वें दिन गुरुवार को भारत की झोली में 13वां स्वर्ण पदक डाल दिया। महाराष्ट्र के राहुल ने पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल में कनाडा के स्टीवन ताकाहाशी को 15:07 सेकंड मात देकर जीत हासिल की। पहले ही मिनट में ही राहुल ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए ताकाहाशी को पटक कर 2 अंक हासिल किए। राहुल अवारे विंस द 13th गोल्ड फॉर इंडिया, कांग्रेचुलेशंस चैंप। कनाडा के पहलवान ने भी हार नहीं मानी और राहुल को अच्छी टक्कर देते हुए 2 अंक लिए और 6:06 बराबरी कर लिए। अभी पढ़ें CWG 2018 इस बेहतरीन स्कोर और हैट्रिक के साथ सुशील कुमार ने जीता स्वर्ण पदक। राहुल ने भी अपनी तकनीक को अपनाते हुए एक बार फिर ताकाहाशी को पकड़ा और फिर रोल करते हुए 3 और अंक हासिल करते हुए 9:06 बढ़त ले ली। यहां राहुल को दर्द की समस्या हुई लेकिन इसे नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने वापसी की और 2 अंक और हासिल किए। वीडियो खेल शुरू होने से पहले भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने NDTV से बात की थी। मुकाबले की समाप्ति के लिए कुछ सेकंड रह गए थे और एक बार फिर राहुल ने ताकाहाशी पर शिकंजा कस 15:06 जीत हासिल कर भारत की झोली में 13वां स्वर्ण पदक डाल दिया। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।